अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम ऑनलाइन लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया था, तो आज हमारी एक्सरसाइज है 3.4, ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें से कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। अब हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी प्रूफ दैट के बाद कोई चीज़ लिखी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। जब तक ये आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरीके से इफ के बाद जो चीज़ भी आएगी वो आपका क्वेश्चन होगा, वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन। तो आज आपका सवाल ये है, जवाब बिल्कुल छोटा सा है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। अब बेटा इस बड़ी वैल्यू से ये आंसर जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट हमने रिव्यू एक्सरसाइज में भी डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन क्या होती है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, ये डेफिनेशन हमने याद की हुई है। कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड का रेशियो है, इसकी दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस कर दें, इन दोनों का क्या करें, एक दफा प्लस कर लें, डिवाइड यानी ओवर, फिर इन दोनों को माइनस कर दें। इसी तरीके से राइट साइड पे दोनों रेशियो की टर्म्स को एक दफा प्लस कर दें, ओवर एक दफा माइनस कर दें। अच्छा, इसे दूसरा केस क्या हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हम पहले प्लस और बाद में माइनस करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले माइनस कर दें और बाद में क्या कर दें, प्लस, लेफ्ट साइड की रेशियो वाली वैल्यूज को। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इस साइड में हम लोग एक दफा माइनस कर दें और फिर एक दफा प्लस कर, तो ये थ्योरम कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। तो आज जो हमें सवाल दिया गया है, इससे भी हम लोग अप्लाई करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। अब इसके कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहां पे किया था कि रेशियो की दोनों वैल्यू को एक दफा प्लस करते हैं। ये जो प्लस वाला केस है, ये मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। माइनस वाला जो होता है, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज किया जाता है, जब आपको इसकी जरूरत होगी। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का, तो उसमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये टर्म है, एक टर्म ये है, हमने क्या करना है, इन दोनों को एक दफा प्लस कर लेना है, एक दफा माइनस। तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ए सी स्के प्लस बी डी स्के प्लस, फिर नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी ए सी स्के माइनस बी डी स्के, यानी ऊपर वाली वैल्यूज प्लस नीचे वाली वैल्यूज। देखे ना, रेशियो का मतलब ओवर ही था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, रेशियो मीन ओवर ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर बी। तो फिर मैंने एक दफा इसको प्लस कर दिया, एक दफा माइनस, सेम यहाँ पे ओवर की फॉर्म में दिया गया, तो हम क्या करेंगे, एक दफा इसको प्लस कर देंगे और एक दफा हम इसको माइनस कर देंगे। फर्स्ट वैल्यूज माइनस सेकेंड वैल्यूज, या सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज प्लस नीचे वाली वैल्यूज ओवर, फिर ऊपर वाली वैल्यूज माइनस नीचे वाली वैल्यूज। इसी को इसी तरीके से यहां भी आपके पास न्यूमिनेटर आ जाएगा प्लस डिनोमिनेटर, यहां पे बी क्यूब है। इसी तरीके से ओवर न्यूमिनेटर आ जाएगा माइनस
डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो ये आपके पास बेटा। जब ब्रैकेट्स को रिमूव किया जाता है तो आपको मालूम है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो या ब्रैकेट के बाद कोई साइन ना हो तो ऐसी सूरत में वैल्यू एज इट इज आ जाती है। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो फिर इन साइड वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। इसी तरह डिनोमिनेटर में ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। इसी तरीके से इस साइड पे आते हैं सी स्केयर प्लस डी स्केयर बाई प्लस अगर एजिस सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे सी क्यूब प्लस डी क्यूब। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम कंपोनेंट डेविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे बड़ी वैल्यूज के ऊपर तो कुछ वैल्यूज की कटिंग होती है। अच्छा, कटिंग का तरीका कार क्या होगा कि जो वैल्यूज ऊपर कटेंगी वो नीचे नहीं कटेंगी और जो वैल्यूज नीचे कटेंगी वो ऊपर नहीं कटेंगी। आप देखेंगे यहाँ पे कि बी डी स्केयर प्लस का है और बी डी स्केयर माइनस का है, इनकी कैंसिलेशन होगी यानी ऊपर कैंसिलेशन हो रही है बी डी की, तो अब नीचे बी डी की नहीं होगी बल्कि ए सी स्केयर प्लस का ए सी स्केयर माइनस का। इसी तरह हम इधर देखेंगे डी क्यू प्लस और माइनस का कैंसिल होगा, नीचे देखें सी क्यूब प्लस और माइनस का कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास ए सी स्केयर और ए सी स्केयर, कितने ए सी स्केयर बच गए, टू, तो ये आ जाएगा टू ए सी स्केयर और नीचे हमारे पास बी डी स्केयर, बी डी स्केयर कितने बी डी स्केयर टू। इसी तरीके से सी क्यूब कितने सी क्यूब टू और डी क्यूब कितने डी क्यूब बचे हैं जी टू। तो आप देखें ये टू की टू से कैंसिलेशन हो गई, हमारे पास क्या बच गया ए सी स्केयर ओवर बी डी स्केयर इज इक्वल टू सी क्यूब ओवर डी क्यूब। अब देखिए हमें तो ए रेशियो बी, अब ये ए रेशियो बी कब आएगी, जब हमारे पास ए ओवर बी होगा। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, ए ओवर बी के अलावा सी स्केयर और डी स्केयर दिया। अगर ये सी स्केयर डी स्केयर खत्म हो जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा